इस कोरोना पैंडेमिक में आप ये देखते और सुनते आए हैं कि ये वायरस बेहद खतरनाक है। इस वायरस से लोग बीमार हो जाते हैं जिनसे उनकी जान तक चली जाती है। इस वायरस ने लोगों की एम्प्लॉयमेंट छीन ली है। कुल मिलाकर आज के टाइम में लोगों की प्रॉब्लम्स का ये एकमात्र रीजन है, राइट? लेकिन आपको ये जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि एक अमीर वर्ग के लिए ये वायरस किसी वरदान से कम नहीं है। एक रिच पर्सन के बैंक बैलेंस और बिजनेस में इस वायरस के टाइम पर हद से ज्यादा ग्रोथ हुई है। आइए जानते हैं पूरी खबर, बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं साहिल व्यास, 3D मीडिया में आपका स्वागत है। ऑक्सफैम इंडिया की तरफ से एनुअल इनइक्वालिटी सर्वे यानी वार्षिक असमानता सर्वे जारी किया गया है। इस सर्वे के हिसाब से भारतीय अरबपतियों की संपत्ति 2 गुना से भी ज्यादा हो गई है। मार्च 2020 से नवंबर 2021 के दौरान देश के अरबपतियों की प्रॉपर्टी अप्रोक्स 23 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 56 लाख करोड़ रुपए हो गई है। इनकी अमेरिका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत के टॉप 10 रिच पर्सन देश के सभी स्कूल्स और कॉलेजेस को अगले 25 सालों तक चला सकते हैं। कोरोना पीरियड में अमीरों की प्रॉपर्टी बढ़ने के साथ साथ इनके नंबर्स भी बढ़े हैं। इस दौरान देश में 142 बिलियनर्स हो गए हैं, यानी देश को नए 40 अरबपति मिले हैं। चलिए आपको एक मजेदार फैक्ट बताता हूँ। अगर इंडिया के टॉप 10 रिच पर्सन डेली $1 मिलियन यानी 7 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च करें तो उनकी दौलत को खर्च होने में 84 साल लग जाएंगे। देखिए, अमीर होने या अमीर बनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसका गरीबों की गरीबी बढ़ाने पर भी असर पड़ता है। कोरोना पैंडेमिक में देश के 4 करोड़ 60 लाख लोग पॉवर्टी रेंज यानी गरीबी के दायरे में आए हैं और अप्रोक्स 84% इंडियन फैमिलीज की इनकम कम हो गई है। कोरोना की वजह से असमानता इतनी बढ़ गई है कि देश के सबसे अमीर 10% लोगों के पास देश की करीब 45% प्रॉपर्टी है, और अगर गरीबों की बात करें तो देश की 50% पुअर पॉपुलेशन के पास सिर्फ 6% प्रॉपर्टी है। तो ये थी कुछ बातें कोरोना के बारे में कि कोरोना बुरा वक्त लाने के साथ साथ अमीरों के लिए अच्छा वक्त भी लाया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम साहिल व्यास, साइनिंग ऑफ।